हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुनील वर्मा और हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी साइज 4.5 एंड द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, वेरीफाई करना है रिजल्ट जिसके लिए हमें मैट्रिक्स गिवन है। ऑलराइट, ये ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें एडजॉइन फाइंड करना होगा, डिटरमिनेंट ए फाइंड करना होगा, देन ये रिजल्ट प्रूव करना होगा। सबसे पहले एडजॉइन फाइंड करते हैं, इसके लिए कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो a11 a12 हम लिख लेते हैं, a21 एंड a22। ओके, ये और ये प्लस माइनस प्लस और ये 213 माइनस ये प्लस। ठीक, चलिए a11 कितना आएगा, हाइड कर लीजिए, क्या दिख रहा है, माइनस का 6। सो माइनस का 6, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या दिखा, माइनस का 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या दिखा, 3, एंड द सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2। सो यहाँ से हम सीधा लिखते हैं एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या आएगा, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो माइनस 6 माइनस 3 4 एंड 2, ये आ गया एडजॉइंट। नाउ एडजॉइंट फाइंड करने के बाद अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करना है ए से, ठीक ना, एडजॉइंट ए को हमें मल्टीप्लाई करना ए मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट ये आपने फाइंड किया अभी अभी, माइनस 6 4 माइनस 3 एंड 2, और ए क्या है, 2 माइनस 4 3 माइनस 6। चलिए मल्टीप्लाई करके लिखते हैं क्या आता है, देखिए हाँ ये हो जाएगा हमारा, ये रो इस कॉलम से माइनस 6 टू जा माइनस 12 और प्लस, सॉरी माइनस ही होगा, 3 4 12 प्लस होगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस 12 अगेन। अगला कितना आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 6 3 18 एंड 3 6 18 प्लस 18। ओके, यहाँ क्या आएगा, 4 2 8 एंड 2 4 8। नेक्स्ट ये इससे 4 3 12 एंड माइनस 6 2 12। तो ये आया क्या, ये आ गया यहाँ से 0 0 0 0, ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। नाउ अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है, एडजॉइंट ए, सॉरी ये हमने राइट हैंड साइड सॉल्व किया था। ओके, ये राइट हैंड साइड था, कोई इशू नहीं है। राइट हैंड साइड अब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, ये है ए इंटू एडजॉइंट ए। तो चलिए ए की वैल्यू 2 माइनस 4 3 माइनस 6 एंड एडजॉइंट है आपका माइनस 6 4 माइनस 3 एंड माइनस 2। ऑलराइट, चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं भाई, देखिए क्या आता है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 6 2 जा माइनस 12 3 4 जा प्लस का 12 एंड दिस वन इससे 2 3 जा माइनस 6। अब तो मल्टीप्लाई आपको बहुत अच्छे से आ ही गया होगा, बहुत क्वेश्चन किया हम लोगों ने, 2 3 जा माइनस 6 3 2 जा माइनस का 6। ऑलराइट, ये माइनस का 6 हो जाएगा, कुछ इशू तो नहीं हो गया कहीं, ये देखिए माइनस 6 था और ये 2 था हमारा प्लस का, है ना, तो प्लस का आएगा। सो प्लस 3 2 जा 6, ये आ गया। नेक्स्ट अब इसको इससे मल्टीप्लाई, 6 4 जा माइनस 24 एंड 6 4 जा माइनस का 24। ऑलराइट, ये क्या है भाई, माइनस 2 और ये प्लस का ही था, हाँ कोई इशू नहीं है, और माइनस 4 माइनस 6 इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है, एंड हमने ए को एडजॉइन से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना, 4 2 और माइनस का, हाँ देखिए 4 6 जब करेंगे तो प्लस होगा ना, 4 6 जाए 24। नेक्स्ट अब इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस 3 4 जाए 12 एंड 6 2 जाए माइनस का 12, ये आया क्या, यहाँ भी कैंसिल, 0 0 0 और 0, ये मैट्रिक्स आ गई, हमारा राइट हैंड साइड हो गया। अब बात करेंगे इसकी, किसकी, डिटरमिनेंट ए इंटू आई की। तो डिटरमिनेंट ए तो हमने फाइंड नहीं किया था, चलिए डिटरमिनेंट ए फाइंड कर लेते हैं, फिर यहाँ पुट करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इधर इरेज करता हूँ मैं, देखिए डिटरमिनेंट ए जब फाइंड करेंगे आप तो सिंपली इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, तो 6 2 जा माइनस 12 माइनस 4 3 जा 12, वही हो जाएगा प्लस। तो डिटरमिनेंट ए क्या आ गया भाई, 0 आ गया,
ठीक है ना। इसमें जब पुट करेंगे तो डिटरमिनेंट ए क्या है, जीरो, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन जीरो जीरो वन, जैसे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या आ जाएगा, जीरो 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 जीरो। ठीक, देयर फॉर ए इंटू एडज्वाइंट ए इज इक्वल टू एडज्वाइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई, हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थ्री आपका कंप्लीट हो गया, राइट। अगर बात की जाए कि क्वेश्चन नंबर फोर हमारा कैसे है, तो क्वेश्चन नंबर फोर भी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक ना, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर फोर भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर आपको होमवर्क दिए गए हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना, बुक से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर भी बिल्कुल ऐसे ही है, यही प्रूफ करना है, ठीक ना, वहां पर आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर थ्री एज वेल एज फोर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।